हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लाई हूँ। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज़ बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, ऑल प्रोजेक्ट में ये बनके बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। बनाने में एकदम ईजी है ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 15-15 के मल्टीपल व फंदे चाहिए, प्लस 6 फंदे चाहिए। आपका डिज़ाइन एकदम सही आएगा। अब मैं आप देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ से एक फंदा पहले उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा पहले ये उतार लेंगे बिना बुना। फिर यहाँ से देखिए, एक और ये दो, तीन फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं। तो ये वाला जो तीसरा फंदा जो हमने उतारा था, उसको दो के ऊपर से इस तरह पलट देंगे। दो के ऊपर से हमने पलट दिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए। देखिए, 3 3 2 6, एक ये 7। अब ये एक फंदा है, यहाँ से हम ये एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, 1 4 डाली, 1 से हमने ये 3 बना लिए। अब यहाँ से धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 11 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन है, और भी 3 फंदों का ये वाला डिज़ाइन। अब यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से फिर से हमने यही वाला डिज़ाइन फिर से रिपीट करना है। यहाँ से दूसरा डिज़ाइन शुरू होगा। तो देखिए, पहले हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ये फंदा उतार देंगे, और ये दो फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2, दो सीधे बनाए। ये तीसरा फंदा को इसके ऊपर से इस तरह पलट देंगे हम। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से फिर हम 7 फंदे सीधे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए, 3 ये और ये 7। अब फिर से सेम करना है, ये एक फंदे से 3 फंदे बनाने। धागा अपनी तरफ एक बार और बनाएंगे, तो एक ही फंदे से 3 फंदे हो जाएंगे। फिर यहाँ से हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 और ये 3, 3 फंदे उल्टे हो गए। अब लास्ट का एक फंदा सीधा बना देंगे। मैं इसमें आपको दो डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। आपको अगर यहाँ से फिर आगे आपको ये 3 पलटने वाला फिर से डालना पड़ेगा। इसी तरह पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो। सेकेंड रो है बैक साइड से फ्रेंड्स। अब जो फंदे यहाँ से हमने उल्टे बनाए थे, उसको बैक से सीधा बनाएंगे। देखिए, 1 2 और ये 3, ये 3 फंदे हमने ये बना दिए सीधे। अब जो हमने धागा अपनी तरफ करेंगे, जो हमने 1 से 3 बनाए थे, इसमें हम पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा उल्टा। ये 1 से 3 बनाए थे हमने, इस तरह हो गए हमारे। अब ये जो हमने 7 फंदे उल्टे बनाए थे, बैक से सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए, जो हमने ये पलटा था, 1 2 फंदे, तो ये पहला फंदा तो हम उल्टा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसमें धागा लपेटते हुए ये जो हमने वहाँ घटाया था वो फंदा इसमें बढ़ गया है, सीधे बनाने, 1 2 3 4 4 फंदे हमारे बीच में उल्टे सीधे आएंगे। फिर ये दूसरा डिज़ाइन आ गया, जिसमें हमने ये 1 से 3 बनाए थे। पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, तीसरा फंदा फिर उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से हमने फिर से 7 फंदे सीधे बनाने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए, जो वहाँ से उल्टे बने थे। अब फिर से हम ये पलटने वाले पे आ गए, 2 फंदे दिखे हमें। पहला फंदा मैं उल्टा बना लूँगी, फिर ये धागा लपेटते हुए दूसरा फंदा बनाएंगे, तो हमारी जो घटा था वो बढ़ गया है। अभी ओके, ये फंदा मैं सीधा बना लूँगी, और ये लास्ट का फंदा, ये 2 फंदे एक्स्ट्रा है हमारे, इसको इसी तरह बना लिए। अब देखिए फ्रेंड, ये तीसरी सिलाई है सीधी साइड से। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जो हमने ये पलटा था वो वाला इस बार सीधा ही बनाएंगे इसको। ये 3 फंदे हम सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3, 3 फंदे हम सीधा बनेंगे, 1 2 3 4
पाँच और ये छः। पहले हमने सात फंदे उल्टे बनाए थे, इस बार एक फंदा हमने यहाँ पे घटाना है। जो हमने ये एक से तीन किए थे उसमें हमने एक ये वाला जो बैक से एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करा था, उसमें दो फंदे हमारे सीधा है, एक बीच में उल्टा है। तो हम ये फंदे को इस तरह सीधा कर देंगे। इन दोनों का एक कर देंगे हम, इसी तरह सामने से सिलाई डालेंगे और ये दो फंदों का एक कर देंगे। एक फंदा यहाँ पे उल्टा वाला कम हो गया। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे। सॉरी फ्रेंड, यहाँ घटाना नहीं हमको, यहाँ हम ये तीन फंदे इसी तरह डालेंगे। चार फंदे हमारे, तीन वैसे तीन हैं लेकिन हमने ये डिजाइन से पहले एक फंदा उल्टा बनाया था तो वो इसलिए चार है। अब ये तीन फंदे जो पलटने वाले पे आ गए, ये दूसरा डिजाइन शुरू हुआ है यहाँ से, ये तीन फंदे सीधे। फिर ये एक दो, ये तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे हम उल्टे बनाएंगे। छः फंदे उल्टे बना के फिर ये इस तरह ये दो फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे, एक उल्टा और एक सीधा। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा। फिर यहाँ से ये चार तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, और लास्ट का फंदा मैं सीधा ही बना लूँगी। इस तरह हमारी ये तीसरी सिलाई कंप्लीट होगी। अब बैक रो से चौथी सिलाई, अब बैक रो से ये चौथी सिलाई है फ्रेंड्स। अब इसमें हमको सेम ही करना है, जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह बनाना है। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ सीधे बनाए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये एक एक सीधा एक उल्टा और ये एक सीधा। जो आगे से दो सीधा एक उल्टा है वही हमारा बैक से है। अब इसमें फ्रेंड्स देखिए, ये सीधा दिख रहा है सीधा ही बनाना है। जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाऊंगी मैं, ये उल्टे दिख रहे हैं उल्टे। इसी तरह मेरी चौथी सिलाई में कुछ नहीं करना है, जो फंदा हमको जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। मैं बना लेती हूँ कि देखिए फ्रेंड, चार सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये पाँचवीं सिलाई है सीधी साइड से, पहला फंदा उतार दिया, एक फंदा उल्टा। अब सेम ही करना है, इस बार हमने इसको पलटना है। एक बार हम पलटते हैं, एक बार नहीं पलटते। अब फिर सेम करना है हमको, ये फंदा ये वाला उतार लेंगे और ये दो फंदों को बना देंगे। सीधा ही बनाना है दो फंदों को, एक और ये दो। अब जो हमने उतारा था फर्स्ट में उस इन दोनों के ऊपर से इसको पलट देंगे, तो ये दो तीन फंदे, ये वाला डिजाइन हमारा बन गया यहाँ पे। एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच फंदे इस तरह बना लिए। अब ये फंदा ये दो को इस तरह सीधा करके, अब यहाँ बीच में हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ से फिर हम चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। अब यहाँ पे हमारा फिर से ये पलटने वाला डिजाइन आ गया। ये पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ से दूसरा डिजाइन शुरू हो जाता है। ये दो फंदे हम सीधा बना लेंगे और ये फंदे को हम इसके ऊपर से इस तरह उतार लेंगे। तो हमारा जो ये वाला डिजाइन है वो यहाँ से ये दूसरा डिजाइन शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डाल रखा है। फिर यहाँ से देखिए, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच फंदे उल्टे। अब ये दो फंदों का एक करना है हमने इस तरह, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे हम। लास्ट ये फंदा सीधा बनाइए उल्टा। इस तरह हमारी ये पाँचवीं रो कंप्लीट होगी। अब ये सिक्स रो है, बैक साइड से फ्रेम ही करना है। ये जो सीधा दिख रहा है इनको हम सीधा सीधा ही बनाएंगे, एक उल्टा फिर ये एक सीधा फिर ये एक उल्टा। यहाँ से हम पांच फंदे सीधे बनाएंगे, दो चार फंदे, सॉरी चार फंदे सीधे बनाएंगे, पांच। और फिर ये देखिए इसी पे आ गए हम, जिस पर हमने तीन का एक किया था पलटते हुए, एक बना लिया एक। फिर हम जाली डालते हुए ये तीन से हमारे तीन फंदे जो हमने घटाया था पलटा था इसके ऊपर दो के ऊपर से, तो तीसरा फंदा यहाँ बढ़ गया हमारा, तो फंदे हमारे कम नहीं हुए। अब बाकी यहाँ तक मैं सेम जो जैसा दिख रहा है इस तरह यहाँ तक मैंने ये सीधे फंदे सारे बना लिए हैं। फिर से हमने ये पलटने वाले पे आ गए, जहाँ पे हमने एक पहला फंदा हम उल्टा बना लेंगे, धागा लपेटते हुए जाली डालेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे।
तो ये हमारे तीन से तीन हो गए लास्ट के, ये दो सिलाई दो फंदे सिए। इस तरह हमारी ये छठी सिलाई कंप्लीट होगी। अब ये सातवीं, अब देखिए फ्रेंड ये हमारी सातवीं रो है। सीधी साइड से पहला फंदा उठा लिया, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा। अब ये तीन फंदे इस बार हम सीधे सीधे ही बनाएंगे, पिछले बार पलटा था तो ये इस बार सीधी सीधी जाएगा। ये एक सिलाई में हम सीधे बनाते हैं, एक सिलाई में पलटते हैं, पिछले बार पलटा था। अब यहाँ देखिए अभी हमारे कोई फंदा नहीं कटेंगे, एक दो तीन और ये चार पाँच, पाँच फंदे हमारे इसमें ये वाले रह गए हैं। अब देखिए जैसे हमने इस शुरू में किया था उसी तरह फिर से इस फंदे से हमने एक से तीन बनाने हैं। देखिए ये एक फंदे से तीन हो गए, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये वाले फंदे से एक से पाँच बनाने हैं। देखिए किस तरह, एक दो और ये तीन चार पाँच हो गए। देखिए एक तीन दो पाँच, पाँच फंदे एक से हो गए। तो ये हमें जब सातवीं सिलाई, छह सिलाई तो हमको सिंपल ही बनानी है, जब सातवीं सिलाई ये इसको बनाएंगे उस समय हम यहाँ पर कोई फंदा नहीं कटाएंगे। यहाँ पे आगे पलटने वाले पे ये तीन फंदे हम सीधे सीधे ही बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ से एक दो तीन वही पांच फंदे बना लेंगे हमको। फिर यहाँ से फिर से सेम करना है, ये एक से तीन बनाएंगे। जो दो फंदे हमने घटाए थे पहले, ये दो फंदे अभी इसमें बढ़ गए हमारे, तो इसलिए हमारे फंदे कम नहीं होंगे, उतने ही रहेंगे। अब यहाँ पे हमने ये एक से पाँच बनाने हैं, इस साइड वाले में पाँच बनाने हैं, इस साइड वाले में तीन बनाने हैं। एक तीन हो गए, एक बार और बनाएंगे तो ये पाँच हो जाएंगे। इस तरह हमारी ये पाँच हो गए। अब ये लास्ट में तीन फंदे उल्टे बना देंगे। इस तरह हमारी ये सातवीं सिलाई कंप्लीट होगी। एट रो है बैक साइड से, ये एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे। अब जो हमने ये एक से पाँच बनाए थे इनको उल्टे बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच, जो हमने एक से पाँच बनाए थे उल्टे बना दिए। अब देखिए ये फंदा हम सीधा बनाएंगे जो उल्टा है बीच में। अब जो हमने ये एक से तीन बनाए थे सेम जैसे पहले किया था, एक उल्टा एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा। बाकी ये फंदे ऐसे ही बनाने हैं, चार सीधे दिख रहे हैं, पाँच सीधे दिख रहे हैं सीधे, और ये यहाँ पे तीन उल्टे। मैं इसी तरह यहाँ तक बना ली थी, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ तक मैंने बना लिए तीन उल्टे, जो हमारे पलटने वाले थे उल्टे बना लिए, ये जो सीधे दिख रहे चार सीधे सीधे बना लिए। अब देखिए जो हमने एक से पाँच बनाए थे इसको हम उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पाँच, ये पाँच हो गए। और ये एक फंदा सीधा, फिर ये तीन फंदे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, इस तरह ये बन गए। बाकी फंदे ये चार सीधे दिख रहे हैं, पांच सीधे दिख रहे हैं सीधे बनाएंगे, ये तीन उल्टे दिख रहे हैं उल्टे। इसी तरह मैं पूरी सिलाई बना। देखिए फ्रेंड अब ये हमारी इसी तरह एट रो कंप्लीट होगी। नाइन्थ रो है सीधी साइड से, पहला फंदा उठा लिया एक फंदा उल्टा। अब ये फंदे को इसी तरह स्लिप कर लेंगे और ये दो फंदे सीधे बना देंगे। अब जो स्लिप किया फंदा है वो ये दोनों के ऊपर से इस तरह पलट देंगे हम, तो ये हमारा डिजाइन ये इस तरह बन के आता है। अब फिर यहाँ से हमने एक दो तीन और ये चार फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, ये पांचवा फंदा घटा देंगे। इसको इस तरह सीधा करेंगे और ये दो फंदों का एक कर देंगे जैसे हमने पहले घटाया था, उसी तरह एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा। अब ये पांच फंदे तो हम सीधे ही बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पाँच, ये पांच फंदे सीधे बना लिए। फिर धागा अपनी तरफ, फिर यहाँ से चार फंदे उल्टे ही आएंगे। बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। आप इसको लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये तीन दो बना दिए, एक स्लिप किया था इसको, इस स्लिप किया फंदा इसके ऊपर से पलट देंगे। फिर यहाँ से फिर हमने चार फंदे उल्टे बनाने हैं, दो तीन और ये चार, धागा पीछे। और ये दो फंदों का एक, फिर ये यहाँ से ये पांच फंदे सीधे सीधे ही बनाने हैं हमको। फिर
लास्ट में तीन फंदे उल्टे, ये फंदा सीधा बना देंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह हमारे ये नाइन्थ रो कंप्लीट होगी। टेंथ रो है ये सीधे बनाने थे, सीधे बना लिए मैंने। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ से एक पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे उल्टे बना लिए और ये एक फंदा सीधा दिख रहा है, सीधा बनाएंगे। फिर ये एक उल्टा एक सीधा फिर एक उल्टा इस तरह, फिर ये चार फंदे सीधे आ जाएंगे, चार सीधे हो गए। अब देखिए जिसमें हमने ये पलटा था ये बैग से, पहले फंदा उल्टा बनाएंगे फिर ये जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तो तीन का एक हो जाएगा। तीन का एक जो किया था उसमें फिर तीन ही फंदे हमारे बच गए। फिर ये बीच में चार फंदे सीधे आएंगे, बाकी ये पांच फंदे मैं उल्टे बना लेती हूँ। पांच फंदे मैं उल्टे उल्टे ही बनाऊँगी, तीन चार और ये पांच, ये एक उल्टा एक सीधा फिर ये एक उल्टा फिर ये एक सीधा, इसी तरह फिर ये एक उल्टा, इस तरह मैंने ये यहाँ पे बना लिया है। और फिर ये चार फंदे तो हम सीधे ही बनाएंगे, चार फंदे सीधे सीधे बना लिए और ये दो फंदे लास्ट में सीधे, इस तरह टेंथ रो भी कंप्लीट हुई। देखिए फ्रेंड अब मैं ये इलेवंथ रो में हूँ सीधी साइड से। अब इलेवंथ रो में ये वाले फंदे में तो हमको इस बार सीधा ही बनाना है, क्योंकि पिछले बार हमने पलटा था ये जाली वाला फंदा भी। ये तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ यहाँ से एक दो ये तीन, फिर सेम ही करना है ये दो फंदों का एक कर देना यहाँ पे। फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा पीछे एक सीधा, धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा पीछे। अब ये पांच फंदों में हमने एक साथ सिलाई डालनी है, ये पांच फंदों का एक करना है। इस तरह ढीला कर लेंगे थोड़ी इसको और इसको। पांच फंदों का एक कर लिया, इस तरह हमारा ये फ्लावर बन गया। ये अब यहाँ से फिर हमने सेम ही करना है, एक दो तीन चार फंदे बीच में उल्टे आ गए, ये बटन हमारा इस तरह बन के आ गया ये वाला। और ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे, तीन सीधे यहाँ से एक दो तीन, ये दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा आएगा, धागा पीछे एक सीधा एक उल्टा। अब ये पांच फंदों का एक कर देंगे, इस सभी में पांच फंदों में मैंने इस तरह सिलाई डाली और इसको हम इस तरह पांच फंदों के अंदर से निकाल दिया। और ये दूसरा पेटल बन गया हमारा, इस तरह मैंने दो पेटल बना दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर यहाँ से एक दो तीन फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा सीधा बनाइए या उल्टा, इस तरह मैंने ये इलेवंथ रो कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। अब ये ट्वेल्थ रो है बैक साइड से फ्रेंड। अब इसमें हमको सेम ही करना है, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, जो सीधे दिख रहा है सीधे बनाना है, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा दिख बनाना है। बाकी इस सिलाई में हमको कुछ नहीं करना है, ये जो पाँच का एक किया था ये वो फंदा है, एक उल्टा आएगा। देखिए फ्रेंड ये हमारी 13 रो है सीधी साइड से, एक फंदा उल्टा एक फंदा उतार लिया। अब ये इस बार हमारा पलटने वाला है, एक फंदा स्लिप करेंगे और ये दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों के ऊपर से पलट देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ से एक दो और ये तीन। अब ये फंदा इस तरह सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा। अब ये वाले फंदे पर सेम ये वाला पैटर्न फिर से बनाना है हमने यहाँ पे, ये एक दो तीन, दो पांच, पांच फंदे हमारे इसमें हो गए। फिर यहाँ से हमने
ठीक है, एक उल्टा एक सीधा, फिर यहाँ से एक दो तीन और ये चार, चार फंदे सीधे, इस तरह हमारा ये वाला बन गया और दूसरा हमारा फिर यहाँ पे बन रहा है। फिर ये हमने ये वाला फंदा स्लिप करना है और ये दो फंदे इस तरह सीधे स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों के ऊपर से डाल देंगे और यहाँ से फिर हमने एक दो और ये तीन फंदे उल्टे बनाने हैं और ये वाला फंदा सीधा और ये फंदा उल्टा और जो ये वाला फंदा है इस पर हम एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच फंदे बन गए हमारे। फिर यहाँ से एक उल्टा एक सीधा, फिर लास्ट के ये उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। ये रो 14 है फ्रेंड्स बैक साइड से, देखिए ये तो सीधे ही बनाने हमको और ये फंदा उल्टा एक सीधा और जो ये हमने पांच फंदे बनाए थे इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, ये एक सीधा एक उल्टा एक सीधा दो तीन। अब ये हमने जो जो उल्टा था वो वाले पे आ गए हैं, यहाँ पे हमने एक जाली डालते हुए ये एक तीन से तीन बना लेने हैं। अब बाकी तो ये जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, यहाँ तक बना देती हूँ। रो 15 है, अब हमने ये इस बार ये तीन फंदे इसी तरह सीधे सीधे बनाने हैं और यहाँ से तीन फंदे उल्टे बनाने हैं। अब ये फंदा हम सीधा बनाएंगे, ये फंदा उल्टा, ये फंदा एक दो, ये पांच फंदे सीधे बनाने, तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हमने सीधे बना लिए। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, बाकी कुछ नहीं करना फ्रेंड्स इसमें, ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे ही बना लेने हैं, ये चार फंदे हैं। और ये तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, इस सिलाई को इस तरह मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। हमने बना लिया, अब ये पांच फंदे फिर से सीधे ही बनाने हैं। ये फंदा सीधा, बाकी ये लास्ट के तीन फंदे उल्टे ही बनेंगे हमारे। बैक सिलाई से पूरी जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह बनाने, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा, जो सीधा दिख रहा है सीधा। इस 16 रो है, मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड ये रो 16 रो पूरी होगी, ये रो 17 है, तो इसमें हम इसी तरह बनाएंगे। जैसे पहले इसको एक फंदा हम स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधा बनाएंगे, अब स्लिप किया हुआ फंदा इसके ऊपर से इस तरह पलट देंगे। ये इस तरह का हमारा ये अलग से तीन फंदों का अलग से डिजाइन है और यहाँ पर ये तीन फंदे ही उल्टे बनने हैं। अब ये फंदा हम एक सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे। अब ये पांच फंदों को फिर से हमने ऐसी वाला सेम फ्लावर बनाना है। यहाँ पे ये पांच फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे, ये इस तरह हमने ये एक के दो पैटर्न हमारे एक ये वाला दो बन गए हमारे। अब यहाँ से फिर हमने सेम करना है, एक उल्टा एक सीधा, एक दो तीन चार, चार हो गए। ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधा बना लेंगे, ये फिर इसके ऊपर से इस तरह पलट देंगे। इस तरह हमारा ये बन के आ रहा है। बाकी फंदे हमने फ्रेंड्स तीन फंदे उल्टे ही बनाने हैं। फिर ये एक फंदा सीधा बनाना है, एक उल्टा, फिर ये पांच फंदों को फिर से हमने पांच का एक करना है। इस तरह हम पहले ये पांच फंदों का एक हो गया हमारा, यहाँ पे ये दूसरा पेटल बन गया। बाकी हमने ये एक उल्टा एक सीधा इस तरह हमने लास्ट तक बना लेंगे, तीन उल्टे बनाने हैं लास्ट में, ये एक सीधा। बैक सिलाई तो फ्रेंड्स जो फंदा हमको जैसे दिख रहा है वैसे करना है। यहाँ पे ये दो का यहाँ तक मैं बना लेती हूँ फ्रेंड, यहाँ तक आ गए हम। अब ये दो फंदे बचे हैं जो हमने पलटे थे,
एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा लपेटते हुए दूसरा फंदा इस तरह। तो हमारे ये तीन फंदे जो घटाया था आगे से पीछे से बढ़ गया है। और बाकी इसी तरह मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ। एक यहाँ पे हमको फिर सेम करना पड़ेगा, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे जाली डालते हुए, उसी तरह मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड ये रो 18 पूरी हो गई हमारी, 18 रो पूरे हुए, ये 19 रो है सीधी साइड से। अब इस बार हमने इसको सीधा सीधा ही बना लेना है, ये जाली वाला फंदा भी, और ये तीन फंदे हम सीधा बनाएंगे। इसमें एक बार बनाना है हमको, एक बार सीधा बनाएंगे। अब ये तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब ये वाला, ये एक यहाँ पे बनाया हमने फ्लावर, एक यहाँ पे, अब इस बार इस पे बनेगा। इसमें हमारे पांच बनेंगे, देखिए पांच वाला इस पे आ जाएगा। तो देखिए एक दो तीन दो, ये पांच हो गए। फिर यहाँ से ये हमने उल्टे उल्टे बना लेने, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे हमारे इसमें फिर से आ गए। यहाँ से ये अगले जब बंद होगा तो सात पूरे हो गए, यहाँ से दूसरा डिजाइन शुरू हो गया एक उल्टा, और ये तीन हमारे ये वाले हैं। फिर ये तीन उल्टे, अब ये एक पेटल यहाँ पे बन जाएगा हमारा। यहाँ पे एक से पाँच बनाने हैं, तीन हो गए चार और ये पाँच। फिर यहाँ से सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे उल्टे हो गए। अब बैक सिलाई है, बैक सिलाई में जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह बनाना है फ्रेंड्स। ये फंदा उठा लेंगे यहाँ से, एक दो तीन चार और ये पाँच, ये एक उल्टा, देखिए फ्रेंड यहाँ से मैंने तीन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे बना दिए। ये दो भी हम सीधे ही बनाएंगे, और ये जो पाँच फंदे हमने एक से पाँच बनाए थे उनको उल्टा बनाएंगे। दो तीन चार और ये पाँच, बाकी जो फंदा जैसे दिख रहा है फ्रेंड ये पाँच फंदे उल्टे बनाएंगे, बाकी जो जैसे दिख रहा है उसी तरह में। रो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये 21 रो है। पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा, अब हमको ये फंदा स्लिप करना है, दो फंदे सीधे बनाने। अब ये फंदा हम इसके ऊपर से पलट देंगे। फिर यहाँ पे सेम ही करना है, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो और ये तीन, और इसको हम ये पांच फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर यहाँ से सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे सीधे हो गए। इस तरह हमारा ये अगली बार में तीसरा भी बन जाएगा। ये अब यहाँ से दूसरा डिजाइन शुरू हो गया, एक फंदा उल्टा बना, ये तीन फंदों में एक फंदा स्लिप किया, और ये फंदा इसके ऊपर से, इन दोनों के ऊपर से पलट देंगे, एक दो तीन, तीन फंदे हो गए। और यहाँ पे ये सात पांच फंदे सीधे बना देंगे, तीन दो पाँच, यहाँ से फिर सात फंदे उल्टे, ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। अब बैक सिलाई में रो 22 है फ्रेंड्स, ये वाले पे आ गए हैं जहाँ पे हमने कटाया था। फिर इसी तरह ये एक जाली डालते हुए ये तीन का तीन हो गया। बाकी सारे फंदे फ्रेंड्स जो जैसे दिखा उसी तरह में बन के आ रहा है फ्रेंड्स। हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अब देखिए ये रो 23 है, यहाँ से हमारा डिज़ाइन दोबारा शुरू भी हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। अब ये तीन फंदे तो हम सीधे बनाएंगे, ये जो जाली से बढ़ाया फंदा, और ये तीन फंदे हो गए यहाँ से, एक ये दो और ये तीन फंदे उल्टे हो गए। अब देखिए ये पांच फंदों में हम, पांच फंदों का एक करना है हमको। ये पांच फंदों का एक कर दिया, इस फंदे को इसी में डाल के एक बार और बना देंगे इस तरह। फिर यहाँ से हम देखिए एक दो और ये तीन, तीन फंदे हो गए। अब ये तीसरे फंदे में, चौथे फंदे में एक से तीन बनाएंगे, ये एक से तीन हो गए। फिर इस साइड हम फिर से तीन बनाएंगे, एक दो और ये तीन,
चार, ये फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं फ्रेंड्स, एक दो और ये तीन, और इस साइड हमारे तीन फंदे उल्टे हो गए, एक दो और ये तीन। अब ये वाला डिज़ाइन फिर से हमारा आ गया फ्लावर जो हमने बनाना है पांच फंदों में ढीला करते हुए, और इस तरह इसको निकाल देंगे और इसी में डाल के एक बार फिर से बना लेंगे। इस तरह हमारा ये बन के आ गया फ्रेंड्स। यहाँ से हमने एक दो और ये तीन, तीन फंदे ये होंगे हमारे उल्टे, और ये वाले फंदे में फिर से एक बार और बनाएंगे तो ये तीन हो जाएंगे। अब फिर यहाँ से तीन फंदे उल्टे, साइड से हमने सेम ही करना है जैसे हमने पहले भी बनाया था, एक फंदा उल्टा बीच वाला फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ये हो गए हमारे तीन फंदे। अब बाकी ये फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं, एक दो तीन जिसमें हमने ये फ्लावर बनाया था, चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे हमारे फिर से सीधे आ गए। अब ये तीन हमारा वो डिजाइन वाला है तो इसको हम तीन इसी तरह बना लेंगे। फिर यहाँ से फिर से गिनेंगे तो एक दो तीन चार, चार हो गए। अब यहाँ पे आएंगे हम ये एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, यहाँ से फिर से हमने सात फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे उल्टे आ गए। अब लास्ट में ये दो फंदे उल्टे सॉरी तीन और ये दो फंदे सीधे, 24 वो कंप्लीट हो गई। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह बन के आ गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह ये तीन पेटल बन के आ गए, ये एक दो तीन। अब हमारा डिज़ाइन दोबारा से डल गया यहाँ पे, जो हमारा ये फ्लावर यहाँ से शुरू गया था वो डिज़ाइन हमारा यहाँ पे आ गया है। अब देखिए ये तीन का वाला डिज़ाइन हो गया और सात फंदे हमारे यहाँ से उल्टे हो गए, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे हमने जब शुरू में डाला था सात फंदे उल्टे और तीन ये एक से तीन बनाए थे, ये वाला डिज़ाइन आ गया। फिर इसके बाद ये तीन फंदे चार फंदे हमने गैप वाले हैं, फिर ये तीन वाला डिज़ाइन आ गया, फिर यहाँ से फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात वाला ये हो गया और ये तीन वाला। फिर यहाँ से अब ये वाले फंदे जो सात हैं इसमें से घटाते जाएंगे हम, जब तीन फंदे रह जाएंगे उसके बाद हम फंदा घटाएंगे नहीं। इसी तरह आप बनाते जाइए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आता है। आप इसको लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर किसी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बन के बहुत ही अच्छा लगता है, गर्ल्स बच्चों के स्वेटर में कार्डिगन में सभी में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। ये बैग से कुछ इस तरह दिखता है ये फ्रेंड्स से इस तरह। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।